नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। महाराष्ट्र में मुंबई हिंदी साहित्य परिषद का एक बहुत ही विशेष पहचान बना हुआ है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। आज बालमुकुम जी रिटायर हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ सब जो आपको अच्छा लगे। बालमुकुम जी बहुत दिन तक अंधेरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया था, जो कि ऐतिहासिक काम है। वहाँ पर जब तक बालमुकुम जी थे वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं में डबल डिवीजन, लेकिन आज संख्या नहीं रह गई इनके अनुपस्थिति के कारण। और मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जय जय माता। अब हम मुंबई हिंदी साहित्य परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री दुबे जी से बात करना चाहता हूँ। संस्था के बारे में कुछ बताइए आप। संस्था जो है थोड़ा सा लाउडली से, थोड़ा सा तेज। संस्था गरीब विद्यार्थियों को जिनको कोई नहीं समाज को मिलता है, जो आज पढ़ने के अंदर लाखों रुपया फीस चल रही है, तो निःशुल्क जो है ऐसे लोगों को शिक्षा देती है। प्रमाण है कि हमारे एक्स प्रिंसिपल काफ़ी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लोगों को भिखारी बच्चों को भी ला के पढ़ाया है। बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप जो है रोड पर भाजी देते हैं, भाजी लेके आ जाते हैं बच्चे के पास। तो ये संस्था ऐसी है जो कि पूरे बॉम्बे के अंदर गरीब, सबसे गरीब तबके के लोगों को शिक्षा देने के लिए। बालमुकुम जी के बारे में तो बताइए। बालमुकुम जी हमारे जो है बहुत ही डेडिकेटेड जो है समर्पित जो अध्यापक रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर परिषद के साथ हमेशा लॉयल्टी के साथ काम किया है और परिषद के लिए स्कूल में अंधेरी स्कूल में थे, अभी नाला से पारा के प्रिंसिपल थे, वहाँ पर ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। बहुत मेरे परिषद उनके हर काम के लिए काफ़ी। दुबे जी ने बताया कि विद्यालय करीब विद्यार्थियों के लिए समर्पित है और समाज के आदिवासी विद्यार्थी ज़्यादातर इस विद्यालय में पढ़ते हैं। राष्ट्रकालीन विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें नौकरी करते हैं, उसी तरह से उनकी शिक्षा वंचित रह गई। विद्यालय के जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये संस्था बम्बई के विभिन्न अंचलों में चंकर मलार अंधेरी वर्ली माटुंगा घाटकोपर और बम्बई के बाहर यहाँ नाला फोटा ये शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से समाचार सेवा कर रहे हैं। गरीब बच्चे जो दिन में नहीं धंधा व्यापार नौकरी लाते हैं, ऐसे बच्चों को ये संस्था विशेष कार्यर है और उन बच्चों को काफ़ी मदद भी संस्था की तरफ से मिलती है। काफ़ी किताब प्रेस और जो भी उनको कोई तकलीफ होती है संस्था उनको हर। धन्यवाद।
कि मुंबई शहर की साथ साथ पालघर तक उसका कार्यक्षेत्र है और जहाँ पर हजारों बच्चे प्रतिवर्ष निकलते हैं पढ़ करके और उनको गरीब बच्चों को जितनी सुविधा रात्रिकालीन विद्यालयों में दी जाती है शायद ही कहीं मिलती हो। जो 6 घंटे का पाठ्यक्रम है उसको 3 घंटे में एक पढ़ाते हैं तो वहाँ के शिक्षक उसी पाठ्यक्रम से आगे बढ़ाते हैं। रात्रिकालीन विद्यालय के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और विभिन्न CA के पदों पर गए हैं और उससे बहुत आकर्षण मिलती है और ये शहर की ऐसी संस्था है गरीबों के हमारे विद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1984 को विद्यालय की स्थापना की गई थी। उस समय इंदिरा जी को गोली मारी गई थी, उसी समय विद्यालय की स्थापना हुई थी और 87 में पहले से 7वीं तक की मान्यता मिली और उसके बाद 91 में 8वीं की मान्यता मिली, उसके बाद 93-94 में इंडेक्स नंबर मिला 10वीं का और तब से विद्यालय का बच्चे लगभग विद्यालय में कॉलेज की भी मान्यता मिल चुकी है 2013-14 को और प्राइमरी से कॉलेज तक इस समय 3000 तक स्टूडेंट हुए। ऐसा क्या तो कि विद्यालय की स्थापना स्वतंत्र सेनानी से आपने इस समय गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं और निःशुल्क भी संस्था की तरफ से विद्यार्थियों की फीस जमा की जाती है और बच्चे क्वालिफाइड टीचर रखते हैं और पढ़ाई सुचारू से। सर आज यहाँ विद्यालय कार्बन विद्यालय खुल रहे हैं बस सबका माध्यम विद्यालयों में हिंदी विद्यालय लेकिन हिंदी में मीडियम का विद्यालय जो है हमारे यहाँ अच्छे रूप से सुचारू रूप से चल रहा है क्योंकि अभी बॉम्बे साइड में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरफ अभी कुछ गरीबों की संख्या है इसलिए यहाँ अभी मिल रहा है।